अब हमारे स्पीड बोट ने स्पीड पकड़ लिया है। ये समुद्र में स्पीड बोट का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ ओल्ड दीघा में। इस समय दीघा जो है एक समुद्र का किनारा है जो कि वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट जो आते हैं वो कोलकाता के आते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये जानकारी दे दूँ कि इधर उत्तर भारतीय काफ़ी कम आते हैं घूमने के लिए, जो कोलकाता घूमने आते हैं और जो समुद्र देखना चाहते हैं वही यहाँ पे आते हैं। मैं इस समय बैठा हूँ समुद्र के किनारे, मेरी दाई ओर समुद्र है और वेस्ट बंगाल टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसे काफ़ी अच्छे से डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी हैं, बेहतर हैं। पार्क है बच्चों के खेलने के लिए जो कि मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ओल्ड दीघा है जो है वो फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जो कपल्स हैं वो न्यू दीघा जाते हैं। वहाँ का सी काफ़ी बेहतर है और आप वहाँ के समुद्र में नहा भी सकते हैं। यहाँ के समुद्र में भी नहा सकते हैं लेकिन वहाँ का समुद्र कहा जाता है कि ज़्यादा प्लेन है। जब आप स्टेशन पे आएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑटो वाले पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो जो बजट ट्रैवलर है वो थोड़ा वेट करें या थोड़ा आगे पीछे चले जाएँ, या ट्रेन निकलने के थोड़ी देर बाद आपको रीजनेबल प्राइस पर ऑटो वाले छोड़ देंगे। जैसे कोई ट्रेन आती है वैसे ही जैसा हर टूरिस्ट प्लेस पे होता है यहाँ भी होता है, बहुत बुरी तरह से लोग आपको परेशान करने लगते हैं ऑटो वाले। जब हम यहाँ शहर में आए तो होटल यहाँ पे काफ़ी सस्ता है, हमने ऑनलाइन ऑलरेडी बुक कर रखा था, लेकिन यदि आपने ऑनलाइन बुक नहीं भी किया है तो यहाँ पे होटल आपको आराम से मिल जाएगा। जो बजट ट्रैवलर है उनको यहाँ 200-300 रुपए में भी कमरा मिल जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बुक कर रखा था तो हमें कमरा लेना ही नहीं था। और अब आप इंजॉय कीजिए बाकी लोकेशन देख करके। यहाँ आप स्काई लैटर्न भी उड़ा सकते हैं, 30 रुपए में मिल जाता है बिना किसी नेगोशिएशन के, लेकिन जब उड़ाएं तो थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ हवा बहुत तेज चलती है तो ज़मीन के जितना नीचे रख के इसको आग लगाएंगे गैस उतनी आसानी से भर जाएगा। अगर आप ऊपर करके अगर उड़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत होगी और ये जल जाएगा और उड़ नहीं पाएगा। छोड़ दीजिए नहीं तो आग लग जाएगा इसमें। बस गया सफलता मिली, मुबारक हो भाई आपको। नीचे नहीं। चलिए, अब तक जितना लोग कोशिश कर रहे थे बस यही इकलौता उड़ा है सही, जो कि कायदे से जा रहे हैं। सफलता मिलने के टूट गया फाली दीघा में, आप लोगों ने पैराशूट उड़ा दिया है सक्सेसफुली। 3 लोग के असफलताओं से पता के बाद जो है हम लोगों ने सक्सेसफुली अपना पैराशूट उड़ा दिया है। नाउ वी आर एंजॉयिंग एट दीघा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब आगे का नजारा अभी देखने को मिलेगा। यहाँ बंगाल में आपको लेमन टी बहुत अच्छा मिलता है, रीजनेबल प्राइस होता है, 5 रुपए में मिल जाता है और पीने में स्वाद भी होता है। चलिए आके खाएंगे। ₹40 ये 30 ये एक I'm gonna go get some more.
यहाँ पे झींगा मछली लिया है जो कि हमारे एरिया में बहुत ही कम मिलता है और अब मैं इसे ट्राई करूँगा। बहुत ही बढ़िया स्वाद है और आप भी अगर मछली खाते हैं तो ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल क्रिस्पी है और लाइफ में पहली बार मैं ये झींगा मछली खा रहा हूँ, अब तक मैंने झींगा नहीं खाया। अब मैं क्रैब ट्राई करने जा रहा हूँ, हिंदी में जिसको केकड़ा कहते हैं, ये मैंने बचपन में कभी ऐसे ही तालाब से पकड़ के और लकड़ी पे पका के खाया था। काफ़ी सालों के बाद मैं इसको ट्राई करने जा रहा हूँ। ठीक ठाक स्वाद है लेकिन झींगे जैसा मज़ा नहीं आया मुझे, लेकिन इसे भी खाया जा सकता है। बहुत ही क्रिस्पी है, जब आप इसे खाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और ये सारे आइटम वेजिटेरियन के लिए मैंने नहीं बनाए हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है सिर्फ उन्हीं के लिए। दीघा जब भी है सुबह सुबह समुद्र के किनारे जरूर है। कल रात को मैं जब समुद्र के किनारे आया था तो मुझे यहाँ जेली फिश दिखाई दिया था, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, उनका न सर होता है न पैर होता है और वो स्पार्क करते हैं। वो एक विलेन अभी कुछ साल पहले जो फिल्म आई थी उसमें एक गाने में वो दिखाई दे रहे थे समुद्र के किनारे। आपको ये उतने ज़्यादा खूबसूरत तो दिखाई नहीं देंगे जैसा कि गाने में दिख रहा था, लेकिन आपको इन्हें देख के अच्छा जरूर लगेगा। दीघा के सुबह की शुरुआत आप यहाँ पे कॉफी चाय या रेड टी से कर सकते हैं, जिसे ब्लैक टी भी लोग कहते हैं। बिल्कुल समुद्र के किनारे सूर्योदय देखिए आकर के यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है सुबह का यहाँ। लेकिन आपको थोड़ा अपना नींद का त्याग करना होगा क्योंकि इसके लिए आपको सुबह 5 बजे उठना होगा, बिना उठे आप तैयार नहीं हो पाएंगे और अपने होटल के कमरे से निकल नहीं पाएंगे। आज हमने जीवन में ये त्याग किया है इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं, रात को देर से सोने के बावजूद। देखिए समुद्र की लहरें जो आपको छू रही हैं बिल्कुल। अभी मैंने यहाँ पे नारियल पानी पिया है, अपने शहर में भी पिया हुआ है, लेकिन ताज़ा नारियल क्या होता है वो यहीं आके मैंने जाना। बहुत ही बढ़िया स्वाद, मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो टेस्ट है। आप भी आइए और महसूस कीजिए। मैं हूँ अभी अपने होटल के छत पे, मेरी बाईं ओर समुद्र है, आप देख सकते हैं।
इस वक्त मैं हूँ उदयपुर बीच पे। ये राजस्थान का उदयपुर नहीं है, ये दीघा से कुछ किलोमीटर दूरी पे है। ये उड़ीसा बॉर्डर पे है, यहाँ से उड़ीसा शुरू हो चुका है और इस समय मैं उड़ीसा में हूँ। बिल्कुल ये बॉर्डर है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। यहाँ आप जेट स्कीइंग कर सकते हैं, यहाँ आपको रेंट पे स्कूटी मिल जाती है, बाइक भी मिल जाती है, जो कि आप बालू पे चलाएं अपना समुद्र के किनारे। यहाँ आके मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यहाँ समुद्र में लहरें भी ज़्यादा हैं, पीछे का नज़ारा देख के आपको लग ही रहा होगा। अब यहाँ उदयपुर में सी बीच पे स्कूटी राइड का मजा ले रहे हैं। गाड़ी है हमारी यहाँ पब्लिक, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ समुद्र के ही किनारे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं जो आपको सी फूड और बियर सर्व करते हैं। तो अगर मैं तो पीता नहीं, लेकिन जो पीने के शौकीन हैं बियर, वो यहाँ पर सी फूड के साथ उसे इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी पब्लिक यहाँ इंजॉय कर रही है ऑलरेडी। यहाँ पैराग्लाइडिंग जीप के थ्रू जो समुद्र के किनारे होता है उसे आप कर सकते हैं। स्पीड बोट में आप जा सकते हैं, बाइक या स्कूटी रेंट पे लेके आप रेत में चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जेट स्कीइंग भी है यहाँ, ये सारा कुछ आप यहाँ पे उदयपुर बीच पे और न्यू दीघा बीच पे एंजॉय कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं स्पीड बोट पे। पीछे पैराग्लाइडिंग हो रहा है, अब हमारी स्पीड बोट तैयार हो चुकी है जाने के लिए। ये पीछे पैराशूट आप देख सकते हैं।
अब मैं जा रहा हूँ समुद्र के बीच में छलांग लगाने। बीच देख सकते हैं आप, काफी पीछे छूट चुका है। मैं स्पीड बोट पे हूँ। ये हमारे पंकज जी बहादुर समंदर के पानी में इस समय तैरना हो रहा है इनका। इस समय हम लोग बीचों बीच समंदर में है, जहाँ पे पंकज जी ने हमारी छलांग लगाई है। ये पंकज जी नहाते हुए आ रहे हैं। इस समय हम लोग समुंदर के बीचों बीच में खड़े हुए हैं। ये देखिए हमारे सबसे बहादुर इलाहाबाद के सिपाही ये उमनावर और एक डरपोक सिपाही के साथ में यहाँ पे है, जो लाइफ जैकेट पहन के भी डरा हुआ है इस समय। आपको मैं उठा रहा हूँ, ठीक है? हाँ? आपको कुछ करने का नहीं, जो करूँगा मैं करूँगा। लगा लीजिए। अच्छा, ठीक है, और कुछ करने का नहीं, जो करूँगा मैं करूँगा, ठीक है? तो आज लाइफ में पहली बार समुद्र में गोता लगाया है। बहुत मजा आया आपके साथ ड्राइव करके, बहुत एंजॉय किया। देखिए कुछ छूट भी नहीं रहा। इसकी जो हमारा ख़त्म हुआ, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। दीघा आए तो इसकी बोर्ड जरूर ट्राई करें। आप वहाँ भी समुद्र में नहा भी सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नॉर्मल का लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक ऐसी चीज़ मिल गई जो आजकल मैंने खाना छोड़ दिया था। कौन होगा बचपन में जिसने इसे ना खाया हो, ये उंगलियों में फंसा के मुझे मिल गया तो मैंने ले लिया। दीघा का सफ़र अब मेरा बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है।